तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने मैक्रोनी पिज़्ज़ा बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें 3 चम्मच घी डाल दिया है। अब इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। तो मैंने प्याज को छोटा छोटा कट कर लिया है। अब इसमें गाजर और शिमला मिर्च डाल देंगे। गाजर और शिमला मिर्च को भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। अब इनको थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल देंगे। तो मैंने अदरक और लहसुन को थोड़ा सा कूट लिया है। अब इसमें थोड़ा सा कॉर्न के दाने और एक टमाटर कट करके डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डाल के इसको मिक्स करके 1 मिनट के लिए ढक देंगे। 1 मिनट के बाद टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा मैश कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा मेयोनीज डालेंगे और थोड़ा सा टमाटो केचप, थोड़ा सा चिली सॉस, और ये मैंने जो मैगी का मसाला बनाया था उसको मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें विनेगर डालेंगे 1 ढक्कन और 1 ढक्कन सोया सॉस डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मसाले अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसमें उबली हुई मैक्रोनी डालेंगे। मैक्रोनी को मैंने पहले से उबाल के रखा है। अब हम मैक्रोनी को मसाले में डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैक्रोनी बन गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो मैंने एक पिज्ज़ा का बेस लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच मेयोनीज डालेंगे और 1 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे और इसको पूरे में फैला देंगे इसी तरह से। तो इसको मैंने अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ डालेंगे। तो इसमें मैंने चीज़ डाल दिया है। अब हम इसमें जो अभी हमने मैक्रोनी बनाई थी उसको डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह से डालेंगे, ढेर सारा डालेंगे। तो बची हुई चीज़ भी डाल देंगे। अब मैंने एक स्लाइस चीज़ ली है और उसको खोल के इसमें तोड़ तोड़ के डालेंगे चारों तरफ अच्छी तरीके से। तो इसको आज मैं भगोने पे बना रही हूँ। तो मैंने भगोने को गैस में चढ़ा दिया है 5 मिनट पहले गर्म होने के लिए। तो भगोना गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ऑरिगैनो डाल देंगे और इसको पकने के लिए भगोने में रख देंगे। तो इसको 1 से 2 मिनट तक ही पकाएंगे। तो ये देखिए, ये 2 मिनट बाद ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से पका है और कितना टेस्टी लग रहा है। अब मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ कि कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह की अलग अलग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल स्वाति किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आप देख सकते हैं ये बच्चों को कितनी अच्छी और टेस्टी लग रही है। तो पिज्ज़ा एक ऐसी रेसिपी है जो बच्चों और बड़ों सभी को पसंद होती है। तो आप इसको चाहे जिस तरह से बनाइए, ये हर तरह से टेस्टी लगती है।